हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल कुकरेट एजीआर में। आज मैं आधे कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाऊंगी, जिसे खाकर बच्चे बाहर का नूडल्स खाना तो भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने देखिए आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आटे को अच्छे से मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। चलिए, इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, हल्का सा नमक डालेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बहुत जरा से इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। बिल्कुल एक चम्मच। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से इस तरह से मसल मसल करके अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, एक बार बना के जरूर देखिएगा इस रेसिपी को। खाने में बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसे मैदे से ही बना सकती हैं, बट गेहूं का आटा जो है हेल्दी ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। तो देखिए, अच्छे से मैंने तेल को भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक आटा गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटे को गूंथ लिया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए, छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। इतने में हमारा 6 से 7 पेड़े बनके तैयार हो गया है। हाथों से इसको गोल कर लेंगे, बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, जिस तरह से पूरी बेला जाता है ना, उसी तरह से बस इतना ही मोटा बेलना है। अब कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, या कोई भी आपके पास डंडा हो गोल इस तरह का, बस इसमें इस तरह से लपेटते जाइए। उसके बाद पेन को निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पेन को खींच करके निकाल लेंगे। हाथों से इसको थोड़ा सा और गोल कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सभी को बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया है, पानी में अच्छे से उबाल आ गया। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी, एकदम बढ़िया सा उबाल आने दूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। और इसके खोल ले दूंगी, जब तक ये तय तो ऊपर आ जाएगा, जब ये अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे 5 मिनट तक अच्छे से पक ले देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पानी में बहुत बढ़िया सा उबाल आ गया है और ये जो है मैंने बनाए थे रोल्स, ये तैर के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, अच्छे से ये पक गए। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, निकाल करके इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अच्छे से ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे पास्ता शेप में कट करूँगी, इस तरह से। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। तो सभी को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल डालूंगी मैं। और यहाँ पे प्याज डालूंगी। 1 प्याज मैंने लिया है, इसे लंबा लंबा कट कर लिया, पतला पतला। 1 गाजर है, इसे ही मैंने इसे ज़रा पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। और 1 शिमला मिर्च है, सभी को मैंने लंबाई में कट किया है। यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्च ली हुई है, इसको भी डाल दिया मैंने लंबाई में चीरा लगा के। भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी यहाँ पे हल्का सा सोते हो गया है, मैं इसमें मसाला डालूंगी थोड़ा। आधा चम्मच मैं कश्मीरी मिर्च डालूंगी कलर के लिए, ज़रा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी। बच्चों के लिए बना रहे तो आप मिर्च के स्किप कर दीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब जो मैंने ये पास्ता बना के रखा हुआ आटे का, इसमें डाल दूंगी। डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। Thank you.
हल्का इसमें कुछ सॉसेस डालूंगी, तो मैं इसमें थोड़ा चिली सॉस डालूँ मैं, और ज़रा सा टमाटर सॉस एक चम्मच डालूंगी, आधा चम्मच मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। डार्क चॉकलेट का भून कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और थोड़ी देर मसालों के साथ अच्छे से सीखते हैं। तो मैंने एक क्यूब चीज़ का लिया हुआ है, अब इसमें कद्दूकस करके डाल देंगे रेड करके। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, इस तरह से बनाइएगा, बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। बाहर का पास्ता नूडल सब भूल जाएंगे, जब नाश्ता बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो देखिए बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा हमारा आटे का हेल्दी सा नाश्ता बनके तैयार है फ्रेंड्स। इसे आप आटा पास्ता भी बोल सकते हैं, तो इसे मैं उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गेहूं के आटे का बहुत ही यम्मी टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता हमने बना के तैयार कर लिया है, जो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी है, बच्चों का तो एक फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आएगा लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।